तो अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब अलग फजल करम से खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे और मुकम्मल देखेंगे। तो आज का व्लॉग भी उसी काम पे है जो मेरा डेली का वर्क है स्टिचिंग यूनिट में। तो जो कुछ आज बनेगा उसकी वीडियो भी आज आपको दिखाएंगे कि आज क्या बना, क्या स्टिच हुआ और आगे स्टिचिंग में क्या है और नए डिज़ाइन क्या बन रहे हैं। साड़ी, ब्लाउज़, गरारे, शरारे जो भी बनेगा वो आपको हर वीडियो में दिखाएंगे। कुछ होगा जिनकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे, कुछ होगा जो बन चुके हैं उनकी भी वीडियो दिखाएंगे, ताकि आप देखकर तो डिसाइड कर सकें कि आपने अगर किसी शादी में जाना है तो आपको क्या अच्छा लगेगा, गरारा, शरारा, लहंगा, चोली या फिर साड़ी, ब्लाउज़। तो बहुत ही फैंसी फैंसी दुपट्टे भी बन रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि दुपट्टे बने बहुत ही खूबसूरत। तो अगली वीडियो में अब जो बन रही हैं उनके अंदर उनके हम गरारे बनाएंगे, उनकी शर्टें बनाएंगे। तो कुछ वीडियो उनकी आती जाएंगी, जो 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 बनती जाएगी तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो आज जो बन रहा है उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, वीडियो के साथ रहिएगा फ्रेंड। ये ना एक प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी मल्टी हेड का चेक बना हुआ है और बीच में सितारा भी लगा हुआ है, देख रहे हो। इसका हमने ना लहंगा बनाना है एक, तो अभी इसको हमने स्टिफ कर रहे हैं। इसके नीचे हम लगाएंगे फ्यूजिंग, फ्यूजिंग के बाद हम इसके नीचे लगाएंगे इंडियन राव सिल्क। तो एक पीस लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा लग रहा है। ये देखें, ये हमने लगा दिया हुआ है, इसके ऊपर फ्यूज़ कर दिया हुआ। ये देखें, अब देखें आप स्टिफ हो गया पीस। देखें इसके नीचे हमने लाइनिंग फ्यूज़ करके लगा दी हुई है, ठीक है, देख रहे हैं अब क्या लुक निकल रही है इसके लिए। देखें कपड़े की स्टफ चेक करें, कितना हार्ड हो गया इसका लहंगा बनना है, देख रहे हैं आप। इसके ऊंचे अड्डे का काम होना सारा घेरे पे। तो अभी इसके हमने सारी फ्यूजिंग करनी है, ये देख रहे हैं आप। अभी सिंगल है, फिर ये टू लेयर हो गया। ये देखें, ये हमने इसको फ्यूज़ किया है, फ्यूजिंग रख के बीच में, ठीक। अभी इसकी कलियाँ कटेंगी, उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि बहुत ही खूबसूरत एक लहंगा बनाएंगे हम। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी भी वीडियो दिखाएंगे। तो ये आज का काम है कि हमने इसको सारे को फ्यूज़ करना है, कपड़े को, कलियों वाले को, फिर इसकी कलियाँ काटनी है और उसके बाद इसको बनाना है। और फिर अड्डे पे लगेगा, बॉर्डर बनेगा नीचे इसके। तो बाकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे चलता काम इसका, ठीक है। तो ये अब मैंने इसकी कलियाँ जोड़ी हैं, देखें ये इसका फ्लेयर तैयार कर दिया, ठीक है। ये अड्डे पे लगेगा, इसके यहाँ पे काम होगा, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे जब बन जाएगा, तो के मुकम्मल होने की वीडियो दिखाएंगे। ये इसकी हम ना फिनिशिंग भी यही लगाएंगे वेलवेट की, और उसके आगे हम एक इंच शो भी करेंगे वेलवेट को, ठीक है। तो ये हम लगा रहे हैं इसको, ये देखें, ये भी हम लगाएंगे इसको यहाँ पे सिलाई से पूरा। ये इतनी स्टाइल लगा दी हमने, फिर उसके बाद यहाँ से ये हेम होगा, तरपाई हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये लुक निकलेगी इसकी। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो चुका है, ये देखें, ठीक है, ये इसका काम, ठीक है। ये लहंगा तैयार हुआ, ये इसका दुपट्टा है, देखें ये भी सारा अड्डा वर्क हुआ हुआ, इसके नीचे जामा बार है, ठीक है, फेसिंग इसकी सारी। फिर इसके ऊपर छोटे छोटे से हैंगिंग्स लगी हुई हैं चारों तरफ दुपट्टे के। ये सारा मुकेश का बराबर बट्टा, ये लहंगा, ये दुपट्टा तैयार किया हमने। और इसकी जो ऊपर वाला था ना फ्रॉक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका ऊपर वाला फ्रॉक है मैक्सीस की विश्वास, यानी कि ये देखें, ये इसका काम हुआ, ये पहले की बनी हुई है, ये भी हमने नहीं बनाई, क्योंकि ये देखें इस पर कम से कम 15 दिन तो लग जाते हैं अड्डे के काम पे। बहुत ही खूबसूरत अड्डा वर्क हुआ है, ये देखें,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी आज की। तो आज की वीडियो को मैं भी ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एड्रेस पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो वो देख सकें। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस इससे भी अच्छे अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम मेरे ड्रेस पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।